बनारस के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर के सर्वे और नियुक्ति को चुनौती देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ओरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन उस मामले को बायपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ हैं। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपने फैसले के जरिए इस कानून पर अपनी मुहर भी लगाई थी। आपको बता दें कि सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। तीसरे दिन हिंदू पक्ष के वकील ने सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कोई शिवलिंग नहीं मिला है। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब रूपी कुएं में शिवलिंग मिला है। इसके बाद वहां हर हर महादेव के नारे भी लगे थे। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा था कि कुएं के अंदर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सोहन लाल ने कहा कि मस्जिद में बाबा मिल गए हैं, बाबा जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। सोहन लाल ने मीडिया के सामने कहा कि जैसे ही मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला, वहां हर हर महादेव के नारे लगे, लोग खुशी से झूम उठे। सोहन लाल ने यह भी कहा कि अब पश्चिमी दीवार के पास जो मलबा है, उसकी जांच की मांग उठाई जाएगी। आपको बता दें, मस्जिद के सर्वे का काम शनिवार को शुरू हुआ था। तीसरे दिन सोमवार को सर्वे का काम पूरा हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे किया गया है। अब 17 मई यानी कि मंगलवार को अदालत में इस मामले की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।